अस्सलाम वालेकुम, अल्फाज गुलबर्गा के साथ मैं हूं सैयद नईमुद्दीन। डालते हैं नजर अब तक की सुर्खियों पर। गैस सिलेंडर फटने से हुआ धमाका, लोगों की जान बाल बाल बच गई। शिवशक्ति दालमिल में पड़ा पुलिसों का छापा, गैर कानूनी 300 क्विंटल चावल का हुआ जखीरा बरामद। दिन दहाड़े घर में हुई चोरी और गुलबर्गा ग्रामीण पुलिस के जरिए चोर गिरफ्तार। सेड़म में रमेश कोलार ने किसानों को सदरी एप्लीकेशन की हिदायत दी। शहर में गाड़ी चोरी की बढ़ती हुई वारदात, घरों के सामने से ट्रेलर का सरका, मुजरिमीन बेखौफ मुजरिमाना कार्रवाई में मसरूफ। आवारा कुत्तों से हुआ फिर से एक लड़का जख्मी। गैस सिलेंडर फटने से हुआ धमाका, लोगों की जान बाल बाल बच गई। कालगी तालुका जिला गुलबर्गा के होसा हल्ली क्रॉस के करीब एक दुकान में अचानक गैस सिलेंडर फट पड़ा। ये धमाका इस कदर शदीद और सख्त था कि दुकान की छत उड़ गई और आग के शोले भड़क उठे। मगर अच्छी बात यह है कि लोग दुकान में ये हादसा पेश आने से पहले ही बाहर आ चुके थे, जिसके नतीजे में सारे लोगों की जानें बच गई और एक बड़ी घटना टल गई। शिवशक्ति दालमिल में पड़ा पुलिसों का छापा, गैर कानूनी 300 क्विंटल चावल का हुआ जखीरा बरामद। गुलबर्गा शहर के ऑटो फ्रिंग रोड में नंदूर इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ शिवशक्ति दालमिल पर गुज़िश्ता रोज पुलिस ने छापा मारा, जहां इल्लीगल यानी गैर कानूनी तरीके से 300 क्विंटल चावल स्टॉक किया गया था। मजीद पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। दिन दहाड़े घर में हुई चोरी और गुलबर्गा ग्रामीण पुलिस के जरिए चोर गिरफ्तार। गुंदन गौड़ा वलशरणप्पा पाटिल के घर चोरी की वारदात सामने आई। मुकफल घर देखकर सारिखीन ने कुफल तोड़कर बेडरूम में रखे अलमारी के लॉक को भी तोड़ दिया और 136 ग्राम सोने के जेवरात को दिन के उजाले में चोरी करने के बाद फरार हो गए, जिसके बाद सतीश कुमार पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा, डी किशोर बाबू एसीपी एसएच सूबेदार, इनकी रहनुमाई में ग्रामीण पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर सोमालिंगा किरादल की क्यादत में 25 साल वहीद, 19 साल समीर, 19 साल इदरीस, 20 साल यूनुस को तलाश करने और गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। साथ ही 150 ग्राम सोना कब्जे में लेकर सारिखीन को अदालती तहवील में दे दिया गया। रमेश कोलार ने किसानों को सदरी एप्लीकेशन की हिदायत दी। किसानों के लिए अपने जमीन पर उगे हुए फसलों का जायजा लेने के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, जिसकी हिदायत और रहनुमाई के लिए सेडम में असिस्टेंट कमिश्नर रमेश कोलार ने सुलेपेट के किसानों के जमीन पर हाजिरी दी और अपील की कि किसान गूगल प्ले स्टोर से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करे और उसका इस्तेमाल करे। इस्तेमाल के वक्त कोई दुश्वारी पेश आए तो एप्लीकेशन एक्सपर्ट्स की सलाह लें और अपने फसलों की तस्वीर अपलोड करें। उस वक्त तहसीलदार अरुण कुमार कुलकर्णी, आरआई सुभाष निंदुगुंडी, एग्रीकल्चर ऑफिसर सिराजुद्दीन पटेल, वीए शब्बीर मियां और अब्दुल रजाक मौजूद थे। शहर में गाड़ी चोरी की बढ़ती हुई वारदात, घरों के सामने से ट्रेलर का सरका, मुजरिमीन बेखौफ मुजरिमाना कार्रवाई में मसरूफ। शहर में लोगों की गाड़ियां उनके घरों के सामने से चोरी होने पर लोगों में खौफ का माहौल है। आखिर गाड़ियां कहां रखें? टू व्हीलर सिरके में अवाम व खवास सभी शिकार हैं। पुलिस सारिखीन को गिरफ्तार करती है लेकिन चोरी की वारदात रोनुमा होती रहती है। ताज़ा वाक़या अमन नगर सपना बेकरी के करीब में कल उस वक्त पेश आया जब KA56H1807 की गाड़ी शाम 7 बजे एक जगह खड़ी करके फारूक बरकाती किसी काम में मशगूल थे, जबी किसी ने उनकी टू व्हीलर गायब कर दी। सारिख का अब तक पता नहीं चला है। आवारा कुत्तों से हुआ फिर से एक लड़का जख्मी। सनती टाउन शाहबाद में आवारा कुत्तों के हमले में 2 लड़कों के जख्मी होने का वाकया वार्ड नंबर 27 में पेश आया। 3 दिन पहले कुत्तों के हमले में एक कम उम्र लड़की भी बुरी तरह जख्मी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट हमने अल्फैज गुलबर्गा चैनल पर दिखाई थी। शाहबाद में आवारा कुत्तों की कसरत से
मासूम बच्चों के अलावा आम आवाम भी बेहद परेशान हैं, बिलखुसूस ख्वातीन और बुज़ुर्ग हजरात। आवारा कुत्तों के हमले से मुतअद्दद वाक़ियात पेश आ रहे हैं। इस सिलसिले में मजलिस बल्दिया से मुतअद्दद मरतबा नुमाइंदगी की गई है, लेकिन मजलिस बल्दिया के अहदेदारान इस सिलसिले में किसी किस्म की कार्रवाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तहसीलदार शाहबाज से इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें अल्फैज़ गुलबर्गा।